स्वागत है दोस्तों ब्लॉगिंग अजय यूट्यूब चैनल में। और आज इस वीडियो में आप सभी को हम बाबा धाम का दर्शन करने के लिए आए हैं। और आज के दिन में अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा भीड़ है। और दिखाते हैं, अभी हम लोग हैं वीआईपी गेट के सामने खड़े और यहीं से वीडियो को कर रहे हैं कंटिन्यू। तो वीडियो अगर आप पहली बार देख रहे थे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर आप कर लीजिएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे कुछ मंत्री वगैरह आए हैं जो कि पटना हाई कोर्ट से। और आप ये नॉर्मल लाइन का व्यू देख सकते हैं, कितना है आज ज़्यादा संख्या में लोग लगे हुए लाइन में। और आप देख सकते हैं सभी कोई जा रहे हैं जलाभिषेक करने के लिए। तो अभी के समय में कुछ ऐसा है सिचुएशन की जो ये आपका लगन को लेकर के जो शादी विवाह हो रहा है उसको लेकर और भी ज़्यादा यहाँ पर भीड़ बढ़ रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और चलिए अभी हम लोग जा रहे हैं वीआईपी गेट प्रवेश कर करके, और देख सकते हैं सभी कोई जा रहे हैं बाबा धाम मंदिर। और दिखाते हैं आप सभी को आज किस तरह मंदिर के परिसर में भीड़ हो रहा है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि और भी लोगों तक ये पहुंच पाएगा। और आप देख सकते हैं ये हम लोग अभी जा रहे हैं और इसी के बगल में इधर से लोग वीआईपी पास लेकर के लगते हैं, जाते हैं लाइन में। ठीक है, तो चलिए आज मैं आप लोग को दिखाते हुए अंदर की ओर जा रहे हैं। और ये सारा दृश्य है आपका वीआईपी गेट के सामने, और इसी दरवाजे से आज हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। तो देख पा रहे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, और दिखाते हैं आप लोग को अभी अंदर में क्या रहस्य आज का। तो अभी भी बहुत सारे भक्तों का जो मुंडन वगैरह है वो अभी हो रहा है, देख सकते हैं इधर। और आप इधर भीड़ देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है और लोगों को बहुत परेशानी भी हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और सभी कोई एक लाइन के माध्यम से बाहर की ओर निकल रहे हैं, और बहुत लोग अभी जा रहे हैं जलाभिषेक करने के लिए, आप देख सकते हैं। और चलिए दिखाते हैं अंदर, अभी हम लोग पहुँच चुके हैं और उसके बाद आप सभी को हम दर्शन कराते हैं महादेव मंदिर के सामने खड़े होकर के। और आज बहुत ज़्यादा भीड़ आपको देखने को मिल रहा है, देख सकते हैं पूरा प्रांगण एकदम कांवरी से भरा पड़ा है, और बहुत सारे भक्तों को परेशानी भी हो रहा है, देख पा रहे हैं आप यहाँ आने जाने में। और ये देख सकते हैं अभी मंदिर पहुँच चुके हम लोग, चलिए सामने चलते हैं, उसके बाद आप सभी को दिखाते हैं आज का क्या क्राउड है मंदिर के परिसर में। और अभी हम लोग आ चुके हैं, देख पा रहे हैं इधर यहाँ पे बहुत सारे भक्त यहाँ पे जल वगैरह फूल वगैरह यहाँ से भी खरीद सकते हैं। क्या भैया क्या? हाँ, तो देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे मीडिया वाला भी आए हुए हैं अभी, और इधर से आपको दिखाते हुए हम। और देख सकते हैं अभी मंदिर के परिसर आ चुके हैं और प्रांगण में ही हम लोग भी हैं, और यहाँ से मैं आप लोग को दिखा रहे हैं, देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। और इधर अभी हम आ चुके हैं निकास द्वार के सामने है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इधर भी बहुत सारे आराम से भक्त जल चढ़ा के बाहर की ओर निकल रहे हैं। भीड़ देखिए आप आज के दिन में बहुत ज़्यादा भीड़ है, और इधर आप देख सकते हैं कि पूरा छौनी जो किया गया है उससे बहुत सारे भक्तों को राहत अब मिल रहा है कि यहाँ पे टेंट वगैरह जो छरा गया है लगाया गया है। और भीड़ आप देखिए खुद कि कितने ज़्यादा संख्या में लोग पहुँच रहे हैं अभी, और चारों तरफ का दृश्य मैं अभी आप लोग को दिखाने वाले हैं, तो देखते रहें अभी आप लोग। और वीडियो ज़रा हिलता हुआ मतलब थोड़ा भीड़ हो जाने के कारण सभी को उसके लिए सॉरी। और देख सकते हैं तब पर भी प्रयास है मेरा अच्छे से दिखाने का, आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारे भक्तों का जलाभिषेक हो जाने के बाद यहाँ पे प्रांगण में खड़े हैं, और जो भी आरती वगैरह है इधर दिखा रहे हैं, अगरबत्ती वगैरह जला रहे हैं। और यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कारपेट पे लगातार पानी का छिड़काव किया जा रहा है, और इधर कुछ भक्तों का अभी गठबंधन हो रहा है, आप देख सकते हैं। और चलते हैं आगे की ओर, तो इधर भी देख सकते हैं आप कि यहाँ पर भी बहुत सारे भक्त अभी अगरबत्ती वगैरह जला रहे हैं, और यहाँ से प्रसाद वगैरह भी खरीद सकते हैं आप, स्टॉल लगा हुआ है। और इधर आप ले सकते हैं गठबंधन का धागा, और ये माँ पार्वती मंदिर रहा इधर देख सकते हैं आप, और यहाँ पे बहुत सारे भक्तों का भी पूजा वगैरह हो रहा है। और चलिए दिखाते हैं आप सभी को और भी सारी चीज़, तो इधर आप देख सकते हैं यहाँ पे आरती वगैरह दिखाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और सामने मंदिर आप देख सकते हैं। और इधर आप देख सकते हैं कि भीड़ बहुत ज़्यादा है, आने जाने में भक्तों को परेशानी भी हो रहा है, बट कोई नहीं, महादेव की नगरी में लगातार आपको ऐसी भीड़ देखने को मिलेगा। और इधर आप देख सकते हैं पार्वती मंदिर के सामने कि कुछ ऐसा देखने को मिलता है, और देख सकते हैं चारों तरफ। थोड़ा चलिए इधर बढ़ते हैं आप, हम लोग जाने दीजिएगा, थोड़ा भीड़ बहुत ज़्यादा है, आप देख सकते हैं कि लोग को
निकलने में भी बहुत परेशानी हो रहा है। और यहाँ पे अभी हम लोग आ चुके हैं, देख सकते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो देख सकते हैं अभी आप लोग को लाइन का कुछ अपडेट हम देने वाले अभी। और ये स्टॉल वगैरह आप देख सकते हैं, यहाँ से प्रसाद वगैरह खरीद सकते हैं, जल वगैरह। और इधर दिखाते हैं आप लोग को अभी, ये देखिए माँ संध्या मंदिर के सामने कुछ ऐसा भीड़ हो रहा है। और इधर दिखाते हैं आपको, थोड़ा लाइन की ओर दिखाते हुए बढ़ते हैं। देखिए अभी हम लोग आ चुके हैं लाइन का अपडेट आपको देने के लिए। और इधर देख सकते हैं आप कि आज के दिन में ऐसा भीड़ है कांवरियों का, और पूरा ओवर ब्रिज से होते हुए आ रहे हैं आप देख सकते हैं। और ओवर ब्रिज का दृश्य देखें, ये जो लाइन के माध्यम से आ रहे हैं भक्त, और आज के दिन में देखने को मिल रहा है कि पूरा चारों तरफ जितना भी प्रांगण था वो यहाँ पे छाव किया गया है। आप देख सकते हैं चारों साइड यहाँ टेंट वगैरह लगाया गया है, क्योंकि इतना धूप के कारण भक्तों को परेशानी भी हो रहा था। लेकिन आप से सभी भक्त आराम से विश्राम करेंगे, बैठेंगे यहाँ पे, और जल वगैरह चढ़ाने के बाद आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है। और उसी को लेकर और भी ज़्यादा भीड़ बढ़ रहा है, क्योंकि बहुत सारे श्रद्धालु को सुविधाएँ दिया जा रहा है हमारे देवघर के DC मंजूनाथ भजंत्री के द्वारा। काफ़ी अच्छे कार्य कर रहे हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे। और इधर देख सकते हैं, थोड़ा चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आपको हम दिखाने वाले हैं अभी जो फ्लावर के माध्यम से आते हैं वो उसका अभी क्या स्थिति है। ठीक है, तो बने रहे वीडियो में आप लोग। और ये वीडियो थोड़ा लेंथी हो सकता है, लेकिन आप लोग पूरा देखिएगा, अच्छे से मैं आप लोग को दिखाने का प्रयास किए हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि जो शादी विवाह का है वो यहाँ पे हो रहा है, कुछ तैयारियाँ यहाँ पे मंदिर के परिसर में। और इधर आप देख सकते हैं कि आज के अभी लाइन का अपडेट आपको हम देने के लिए देख सकते हैं इधर कि दोनों फ्लावर आज कांवरे से बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ा है आप देख सकते हैं यहाँ पे। और उधर तो सावन को लेकर के पूरा तैयारियाँ में चल रहा है अभी, देख पा रहे पूरा ऊपर का फ्लोर जो है कलर वगैरह हो रहा है अभी, एंगल वगैरह और जितना भी कलर वगैरह था वो हो रहा है। और इधर आपको हम दिखाते हैं कि यहाँ से आज लोगों को प्रवेश ना मिल रहा है, क्योंकि इधर गेट वगैरह बंद है। पूरा मानसिंदी से क्यू कॉम्प्लेक्स से चल करके कांवरिया आ रहे हैं। और अब बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर, और वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा, जितना होगा प्रयास मैं दिखाने का अच्छे से प्रयास करेंगे। और अगर इसी तरह का आप लोग वीडियो देखना चाहते हैं तो रेगुलर आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, और जितना होगा आप लोग शेयर कीजिएगा और भी भक्तों तक पहुंचाने का प्रयास करें, ताकि वो भी देख पाएंगे कि मंदिर के परिसर में किस तरह का अभी भीड़ हो रहा है और किस तरह भक्त अभी आ रहे हैं, क्योंकि अभी शादी विवाह का जो लगन चल रहा है उसको लेकर के ज़्यादा भीड़ हो रहा है। ठीक है, तो ये पश्चिम गेट है, बाहर जाने का रास्ता आप देख सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग इधर से प्रवेश करते हैं आगे की ओर, उसके बाद आप सभी को हम दिखाते हैं। देख पा रहे हैं इधर बहुत सारा स्टॉल आपको लगा हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि यहाँ से आप जल वगैरह खरीद सकते हैं, और जितना भी फूल वगैरह है आपको प्रांगण में भी मिल जाएगा, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे है। और अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, और यहाँ पे देख सकते हैं लगातार जितना भी साफ सफाई का काम है वो लगातार हो रहा है। और इधर आपको हम आगे और दिखाते हैं अभी कि माँ गंगा मंदिर के सामने इधर कैसा भीड़ हो रहा है, आप देख सकते हैं चारों तरफ आज कांवरियों से एकदम भरा पड़ा है। आप देख पा रहे हैं कि लगातार भीड़ एकदम बढ़ ही रहा है, और अभी का समय आपको 11 बज रहा है, आप देख सकते हैं कि दोपहर के समय में भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रहा है। और सभी भक्त यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ज़्यादातर अभी के समय में आपको शादी विवाह को ही लेकर तैयारी में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और इधर आप देख सकते हैं कि आप हम लोग आ चुके हैं फिर से, जहाँ से जल वगैरह आप नीर वगैरह प्राप्त करते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे सामने आप लोग को दिख रहा होगा। और इधर आप देख सकते हैं यहाँ पर भी कुछ जो भी होता है पूजा वगैरह वो आपका यहाँ पे हो रहा है। और अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और दिखाते हैं आप लोग को, देख सकते हैं चारों तरफ एकदम भरा हुआ है कांवरियों से, और आने जाने का भी जगह नहीं मिल रहा है यहाँ पे। बहुत गर्मी भी प्राउड हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि इतना गर्मी में भी आप देख सकते हैं कि सभी भक्त यहाँ पे आए हुए हैं। और चलिए अब आपको सामने लेकर चलते हैं हम, और उसके बाद आप सबको हम दिखाते हैं कि फिर सिर्फ सामने में क्या कैसा दिखता है। और थोड़ा हम ऊंचाइयों पर चढ़ करके आप लोगों को अच्छे से दिखाने का प्रयास करें, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण यहाँ पे बहुत सारे फोन हिल जाने के कारण अच्छा वीडियो नहीं आता होगा, माफ़ कीजिएगा आप लोग, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। आप देख पा रहे हैं लाइव में आप लोगों को दिखा रहे एकदम लाइव, और ऐसे अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। और अभी हम लोग आ चुके हैं माँ तारा मंदिर, और यहीं से खड़े होकर के मैं आप लोग को अच्छे से दिखाएंगे अभी जय माँ तारा। और इधर आप देख सकते हैं कि पूरा कांवरियों से आपको प्रांगण एकदम भरा पड़ा देखने को मिलेगा, आप देख सकते हैं। और पूरा इधर टेंट वगैरह जितना भी है वो लगाया गया आप चारों तरफ एकदम, और यहाँ से आप देख सकते हैं इस साइड में भी बहुत ज़्यादा भीड़ है, और सभी भक्त आ रहे हैं आराम से भी जल वगैरह चढ़ा करके।
बार में खड़े हैं और निकाय द्वार के सामने अभी हम लोग हैं, एकदम जस्ट किनारे में है, आप देख सकते हैं। और चलिए थोड़ा चलते हैं माँ पार्वती मंदिर और उसी जगह आप लोग को दिखाते हैं कि वहाँ पर कैसा भीड़ हो रहा है और सभी भक्त किस तरह जल चढ़ाने के लिए जा रहे हैं वहाँ पे। तो बने रहे आप लोग वीडियो में और वीडियो को जैसे आप लोग लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेट मिले दिखाने में, रेगुलर में आप लोग को दिखाने का इस तरह प्रयास करेंगे। आप देख सकते हैं कि बहुत परेशानी भक्तों को हो रहा है। और चलिए होगा तो वहाँ प्रयास करेंगे जाने का क्योंकि भीड़ वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा है। और इधर चलते हैं हम लोग लक्ष्मी नारायण मंदिर के सामने और उसी जगह से आप लोग कुछ ज़्यादा हम दिखाने का प्रयास करें बेहतर, क्योंकि वहाँ पे ऊंचाइयों से अच्छे देखने को मिलेगा ऊंचाइयों से। तो चलते हैं, तो देख पा रहे कि आ चुके हम लोग अभी लक्ष्मी नारायण मंदिर के सामने और यहाँ से आप लोग को अभी हम दिखाते हैं, ठीक है। तो इधर आप देख सकते हैं कि आज के दिन में ऐसा दिखता है भीड़ और सभी भक्त का जो गठबंधन है वो उसी जगह से हो रहा है, देख सकते हैं महादेव मंदिर से और इधर माँ पार्वती मंदिर। और कितना ज़्यादा भी वो 52 गज का जो धागा होता है वो बंध चुका है और लगाया गया, ठीक है। और इधर आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे ये इधर चंद्रकूप है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो जल वगैरह उठाए जाते हैं, इधर भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। और ऊपर में आप जो लाइन देख रहे हैं वो है VIP पास लेकर के सभी भक्त लगे हुए हैं और उसी का वो लाइन है, ठीक है। और इधर से आप देख सकते हैं यहाँ पे कि बहुत भक्तों का भी जल वगैरह चढ़ चुका है और बाहर में खड़े हैं। और आज का कुछ ऐसा अपडेट है जो कि मैंने आप लोग को दिखा रहे हैं और आज का दिनांक है 4 मई 2023 और काफ़ी ज़्यादा भीड़ आज देखने को मिला जो कि लगन को लेकर के, शादी विवाह को लेकर के और भी भीड़ बढ़ रहा है। और देखते हैं उधर जाने का प्रयास करेंगे माँ पार्वती मंदिर के सामने, उधर क्या कुछ रहता है भीड़। तो चलिए आज इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा आप लोग, ठीक है। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा क्योंकि इस चैनल पे आप लोग को जितना भी देवघर का, बाबा धाम का मंदिर का वीडियो है और जितना भी कांवरिया पथ का है वो सारा चीज़ देखने को मिलेगा। और रेगुलर आप लोग देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।